अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। ये क्या कर रहे हो, हाँ छोड़ो। दादी माँ आ गई। आखिर तुम लोगों की समस्या क्या है? इस बुक में जो कहानी है वो सुनाओ। ये बुक? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। अगर नहीं बताओगी तो स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ब्रश नहीं करूंगा और मैं हमेशा खाता रहूंगा। मैं कभी नहीं नहाऊंगी। मैं तो आपको छोड़ूंगा ही नहीं। अरे इस बुक में एक बात है, इसलिए मैं इस बुक को छूंगी नहीं। तो वो बात हमें भी तो बताओ ना दादी, हम लोग भी जानना चाहते हैं। नहीं, तुम लोग इस बात पर विश्वास करो या ना करो, इस बुक को जिसने लिखा था वो बुक को पूरा करने से पहले मर गया। इस बुक को रिलीज करके जिस गोदाम में रखा था वो पूरा का पूरा गोदाम ही जल गया। उसके बाद ये बुक हमारे पास आई है। तो आपको कुछ नहीं हुआ? क्या कहा, तुम्हें तो सिर्फ मस्ती 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 सुनती है। जैसे ही तुम्हारे दादाजी ने बुक पढ़ना शुरू किया, उनका बुक खुला का खुला रह गया। दादी ऐसी बातें करके बात को घुमाओ मत, सबसे पहले तो आप हमको कहानी बताओ। कहानी सुनाऊं? हाँ। लो सुनो, छत पर घूमने वाले बंदर को पकड़कर तुम लोग अपने साथ सुलाना चाहते हो तो मैं क्या करूं, पछताओगे। लो सुनो, बुक छूने से पहले बिजली चली गई, आगे क्या क्या होगा। अरे परी आ गई, दिया लेके आई है। अरे ये बच्चे मेरी बात क्यों नहीं सुनते। चलो दादी अब कहानी शुरू करो। सोचा था कि भूत आएगा लेकिन यहाँ तो धूल मिट्टी उड़ रही है। मंदिर जाने के रास्ते में एक टूटा फूटा महल है। उस वर्ष यानी 2005 में कांची महानगर में शांति नाम की एक एसीपी थी। रुक जाओ, विक्रम वेताल की कहानी बोला था तो ये बीच में पुलिस कहाँ से आ गई? सत्यानाश हो, कहानी शुरू होने से पहले ही सवाल कर रहा है, मैं कहानी भूल जाऊंगी। ठीक है बोलो। हाँ सुनो, वो शांति है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। गुंडे उसका नाम सुनकर कांप उठते हैं, सब डरते हैं उससे। उससे जो गलत लगता है वो वहीं उसे सजा दे देती है। ये तो औरत है। जा रे। Ah!
अरेस्टर। दादी, शांति कोई ट्विन्स है क्या? ऐसा तुम्हें किसने कहा? अरे वो देखकर तो समझ में आ रहा है, लड़ाई करने वाली लड़की एक है और शांति से रहने वाली लड़की अलग। तुम फिल्में देखकर बहुत बिगड़ गए हो। वही शांति ये है और यही शांति वो है। वो पुलिस स्टेशन में पुलिस होती है और घर में बिल्कुल शांत पापा की परी। डेली ये कड़वा जूस आप बाप बेटी कैसे पीते हो? जब मैं इसे बनाती हूँ तब मुझे उल्टी जैसा लगता है। अभी थोड़ी देर बाद तू उपमा बनाएगी, उसे खाना हमारी मजबूरी है। उससे पहले ये करेले का जूस पीकर हम अपने आप को तैयार करेंगे। कैसे पापा? जब तू मेरे साथ होती है ना तो तेरी माँ से ऊंची आवाज में बात कर पाता हूँ। सही है, सही है। कल तुमने कितने लोगों का एनकाउंटर किया? माँ, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि ऑफिस का डिस्कशन घर में नहीं होना चाहिए। मैं क्या है जी ये? मैं उसे कुछ पूछ रही हूँ, वो ऐसे चली जा रही है। पता है कल उसने 4 लोगों को गोली मारी। सही है, एक ACP होने के नाते 16 लोगों में से सिर्फ 4 को गोली मारी, ये गलत है। मैंने आपसे पूछा ना, ये मेरी गलती है। हमने लड़के को नहीं बल्कि लड़की को जन्म दिया है। मैं तो लड़का ही चाहता था, तुमने कोऑपरेट नहीं किया। यहाँ देखो, मैं मिलिट्री से रिटायर हूँ, अभी भी दमखम है। चाहो तो चांस लेकर देख लो। शांति, तुम्हारे पापा कुछ कह रहे हैं, क्या बात है पूछो। मैं तो यहाँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। 91, 92। मालिक, आप इतने बड़े हैं, आपके सामने मैं कैसे बैठ सकता हूँ? मैं किसी कोने में पड़ा हुआ था, लेकिन आपने जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया, और देखिए आज मैं कमिश्नर बन चुका हूँ। आप ऐसे हैं कि किसी भिखारी को राजा बना सकते हो और राजा को भिखारी बना सकते हो। अभी तो सिर्फ मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अभी मैं बस कमिश्नर हूँ, मुझे थोड़ा सा लिफ्ट करके IG बना दीजिए, मैं 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे कौन है जो डिस्टर्ब कर रहा है? अभी अभी एप्लीकेशन डाला और मेरी रिक्वेस्ट सैंक्शन भी कर दी। मिनिस्टर जी लाइन पर आ गए हैं, मेरा काम हो गया। हेलो सर। 3 महीने में इलेक्शन है और हमारे पास बाथरूम जाने के लिए टाइम नहीं है। सर, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देखो हमारे मुंह से कुछ निकल सर जाएगा। सुबह सुबह हर किसी का अलग अलग टाइम आता है। दिल्ली वाले फोन करके हमें सर ये सब न्यूज चैनल वाले हमारे खिलाफ न्यूज चला रहे हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? बुझाया? सर, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है सर। पूछकर एनकाउंटर किया तुम लोगों? अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। ऑर्डर के बिना किसने किया ये काम? वही तो सोच रहा हूँ कि कौन कर सकता है, लेकिन मैंने सच में किसी को ऑर्डर नहीं दिया सर। शांति कौन है भाई? वो मेरी बीवी है सर। क्या? तुम्हारी बीवी? सॉरी, वो असिस्टेंट कमिश्नर का नाम है शांति सर। दरअसल सर वो इतना आसान नहीं है सर। नहीं सर, मैं करता हूँ ना सर। नहीं नहीं सर, वो सर आओ शांति आओ। सर, मेरी बीवी के नाम से तुम्हारा नाम मिलता है, इसलिए मैं तुम्हें डांट भी नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ सर? अरे क्या क्या हुआ, तुम कोई CM हो क्या? किसी का भी एनकाउंटर करने के लिए तुम्हारे ऊपर तुम्हारा सीनियर ऑफिसर बैठा हुआ है, ये बात तुम्हें याद नहीं है क्या? ये देखो, तुमसे अगर कोई भी पूछेगा, कभी भी पूछेगा, कैसे भी पूछेगा, क्यों पूछेगा, तो भी तुम्हें ओके ही कहना है ना। ये ओके नाम मेरे बाप ने मेरा रखा हुआ है। अरे तुम्हें तुम्हारी प्रमोशन की कोई फिक्र नहीं हो रही है क्या? मेरी तरह तुम्हारी वजह से मेरे और मिनिस्टर के बीच में बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। चलो तुम्हें तो नहीं, कम से कम मुझे तो प्रमोशन मिलना चाहिए, इसकी फिक्र होनी चाहिए थी तुम्हें। किसी फिक्र नहीं होती है सर, वरना मैं आपके नाम से पूजा अर्चना करवाकर विभूति लेकर क्या कहा आपके? मेरे नाम से? बिल्कुल सर, मेरे नाम से पूजा की तुमने? हाँ। हे भगवान, मेरा प्रमोशन हो इसलिए तुमने पूजा करवाई? ठीक है, हे प्रभु, मुझे किसी भी तरह IG बनवा दो, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। शांति, 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 कमाल है, ये काल भैरव की तरह गायब कैसे हो गई? चाय को ऐसे क्यों ठंडा कर रहे हैं? लाइए मैं ठंडा कर देता हूँ। मुझे ठंडा करना भी आता है और फेंकना भी आता है। क्या है कर रहा है? मेरा नाम पता है तुम्हें? पांडी, पावर पांडी, होशियार है। Yeah.
बाप रे। वाह वाह, मैं तुम्हें बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ ना, इसलिए मैं इतना खुश। और आप भी फ्रिज में रखे एप्पल की तरह एकदम फ्रेश लग रहे हैं। हाँ, ऐसा है क्या? सुबह एक सड़ा हुआ टमाटर मुझसे बोल के गया था टेस्टलेस फल। हाँ, मैंने सुना कि तूने अपने पति को कट करके उठा दिया है। इस वक्त उस बेवकूफ की याद क्यों दिला रहे हैं आप? और मैंने सुना है कि आपने अपनी बीवी को कट करके फेंक दिया है। एक नंबर की राक्षस थी, लेकिन तेरी जैसी एक लड़की मिलेगी क्या आरती? और आपके जैसा लड़का मिलेगा क्या मुझे? क्या लड़का? एक्सक्यूज मी, मेरे पेपर्स दीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए, सब कुछ ले लीजिए और जाइए यहाँ से। आरती, एक जरूरी काम है, पहले हम लोग वो करते हैं, बाकी का ये सब बाद में करते हैं। ओके ओके, बाय बाय बाय। विघ्नेश, राजेश, दुर्गेश, हाजिर हो। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इस मामले में आप कुछ कहना चाहेंगे? यस योर ऑनर। थैंक यू माय लॉर्ड। इस केस में जिसका कत्ल हुआ है निवेदिता, पहले इन तीनों मुजरिमों ने उसकी इज्जत लूटी और फिर उसका कत्ल कर दिया। इस क्रूरता को मद्देनजर रखते हुए मैं अदालत से विनती करता हूँ कि इन्हें मौत की सजा दी जाए। अब आप अपनी दलीलें शुरू कर सकते हैं। योर ऑनर, इस केस को पुलिस की मदद से गलत तरह से पेश किया जा रहा है। मेरे ये तीनों क्लाइंट्स सोसाइटी में इज्जतदार व्यक्ति है, इनके नाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, पूरा षड्यंत्र है। इस खून और मेरे क्लाइंट का कोई भी संबंध नहीं है योर ऑनर, कोई सबूत नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए इनके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए इस केस को खारिज कर दिया जाए योर ऑनर। मैं अदालत से यही विनती करता हूँ। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद अदालत अपना फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। कोर्ट आदेश देता है कि इन तीनों मुजरिमों को हिरासत में रखा जाए। The court is adjourned. चल अंदर। आप किसी बात की फिक्र मत करिए सर, मैं हूं ना। तुम्हारे फैसला हमारे हाथ में ही होगा। अरे जाइए सर, कल सुबह आप तीनों बाहर आ जाएंगे, फिक्र मत करिए, मैं हूं। चलो। जरा सुनो, हम लोग कब आगे वाली सीट पे बैठेंगे हैं? चुप रहिए। इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि हम सबको 10 लाख दे देते हैं, जो पैसे बचेंगे उससे उस लड़की के घर वालों को दे दीजिएगा, इस तरह सबका फायदा होगा। अभी पैसा भी चला गया, केस भी चला गया। सबूत को मिटाने वाले हम लोग, तुम लोगों को नहीं मिटा सकते हैं क्या? इस वक्त तेरे मुंह का वास्तु सही नहीं है, इसलिए तू चुप बैठ गया, समझ गया पांडे? चुप हो गया, चुप हो गया। आज हम लोग कैदी हैं, लेकिन कल फ्री बर्ड होंगे। ज़बान पे लगाम लगा। ए आती, सॉरी मैम। आप चाहे तो हमसे एक सौदा कर सकते हैं। कैसा सौदा? आगे से कभी कोई केस आएगा तो आप लोग हमें कोऑपरेट करेंगे, इसके बदले में आप जो चाहें वो पैसा देंगे। कर लेते हैं ना पांडी? यस मैडम। एग्रीमेंट तैयार कर ले? हाँ कर देते, कर देते। सुनाई दिया तुम्हें? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से सुनाई दिया। रोक दिया, बच गए, ठोक नहीं दिया। पुलिस है तो कभी भी किसी को गोली मार सकती है क्या? कोई सवाल नहीं उठाता है क्या? सवाल उठाया गया और उसे बुलाया गया। ये लो पकड़ो। ये सब क्या है सर? ये तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर नहीं है, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। अब देखो, किसी भी तरह मेरी नौकरी तो जाने वाली है, इसलिए मैंने खुद ही रिजाइन करना ठीक समझा। ये लो पकड़ो। सर मैं अपना गन सबमिट कर देती हूँ, आप बुलेट चेक कर लीजिए, मैंने कोई एनकाउंटर नहीं किया, विश्वास कीजिए। अरे बाबा, मुझे तुम्हारे बारे में पता है। सर, हम लोग आपस में बात कर सकते हैं क्या? तुम जब से पैदा हुई तब से बोलती जा रही हो। हाँ हाँ, बातें करो, मेरा क्या जा रहा है, बातें करो। सर मेरी बात सुनिए, जो हुआ था वो एनकाउंटर नहीं था, मर्डर था सर। अच्छा। एक्चुअली हुआ ये था, एक गाड़ी में 6 लोग चेहरे पर रुमाल बांधकर गोली चलाने लगे, वो देखकर ये लड़के लोग डर के मारे गाड़ी से उतर के भागे, उन लोगों ने उन्हें छोड़ा नहीं, पीछे भागे और उन्हें गोली मार दी। सच यही है, 100% सच। अरे वाह, मुझे यकीन हो गया। तू कॉमेडी करके बोल रहा है और ये लोग सीरियस टोन में बोल रहे थे, बस। मतलब आपने हम पर विश्वास नहीं किया सर? ये जब अपनी आंखों से देखते हैं ना तब विश्वास करते हैं। तुम दिखाओ, दिखाओ। तुम अपना चेहरा उस तरफ घुमाओ। दिखाओ, क्या दिखा रही हो? ये देखिए। अरे बाबा, वो तो पहले से ही उधर है।
सर, इस शूटिंग में कमर में चोट लग गई, यही दिखाने नहीं, के लिए नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों की बातों पर विश्वास कर लिया, जो हुआ था वो मर्डर था। अगर ऐसी बात है तो कातिल को तुम कब पकड़ने वाले हो? डीजल भरने गई है गाड़ी सर, आते ही पकड़ लेंगे। अरे कॉमेडी मत करो, मैं तुम्हारा कमिश्नर हूँ। सर बहुत जल्दी हम उसे ढूंढ लेंगे, आप मेरा यकीन कीजिए। अरे बाप रे, ये क्या, मिनिस्टर साहब लाइन पर आ गए। अरे तुम लोग जाओ, जाकर पकड़ कर लाओ उसे, जाओ। हेलो सर, मैं कॉमेडियन, नहीं मैं कमिश्नर बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए ना सर। वो पिंक दिख रहा है ना, वो निकालिए। हाँ हाँ, वही वही, ये अच्छा है ना। सुपर, अगर आपका हो गया तो निकले। वो ब्लैक है ना, वो ब्लैक में ब्लू। हाँ हाँ, वही वही वही, दिखाइए। सब क्या नाटक है। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। कितना टाइम लगेगा, है ना? वो साड़ी निकालिए, वो पिंक है ना। हाँ हाँ, वही वही वही, वो क्या है, सफेद है। हाँ हेलो, हाँ, दिखाइए। हाँ बोलिए। हाँ ये अच्छा, ये आप क्या कह रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ। शांति माँ, मुझे निकलना है। शांति, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को घर छोड़ के निकलना चाहती हूँ। हाँ चलते हैं, पर ये साड़ी अच्छी है ना, आपको पसंद है तो ले लीजिए। मुझे पसंद होने से क्या फायदा, तुझे पसंद होना चाहिए, तू पहनेगी ना। माँ आपने जिद की, इसीलिए मैं आपके साथ आई। आपको पता है मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। ठीक है जाते, चले थोड़ा एडजस्ट कर। चलो चले, आपको जो साड़ी लेनी ले लीजिए। ये साड़ी एटलीस्ट पहन कर दिखा सकती हूँ ना। अगर मैं ये साड़ी पहनूंगी तो आप खुश होंगी। Hey, हाँ? जब उसे पसंद नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रही हो? आप चुप रहिए, आपको कुछ पता नहीं है। जब लड़कियां इस तरह से साड़ी पहनकर अपने आप को देखेंगी तब उनके अंदर लड़की का गुण बाहर आएगा। अब आप ऐसा क्या देख रहे हैं? अरे जब तुम्हारे अंदर इतना ही गुण था तो मेरे साथ कॉपरेट क्यों नहीं कर रही थी? कहाँ क्या बात करनी चाहिए, आपको कोई समझ नहीं है, चुप रहिए। अगर ऐसा होता तो मैं अपने ब्लड का टेस्ट करवाता ना। मेरी बेटी जब साड़ी पहनेगी तब कितनी खूबसूरत लगेगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ओहो, बोलना हो गया तुम्हारा। मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है देखो। वाओ शांति, तू कितनी खूबसूरत है पता है, अलग सी दिख रही हो। ठीक है चलो, अब चले यहाँ से, टाइम हो रहा है, कह रही थी ना। चलो चलो, आप बिल देकर आओ, साड़ी को बदलते नहीं है। लेकिन अरे कितना हुआ, पूछ लो, वो लोग बताएंगे। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये अंगूठी रख लो, रख लो। हाँ और तुम्हें क्या चाहिए, ये लो चेन। मैं अपने पापा से बोलकर एक शोरूम तुम्हारे नाम करवा दूंगा। मुझे कुछ मत करना प्लीज, मुझे कुछ मत करना। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। मैं कुछ नहीं करूंगा, अब से कुछ नहीं करूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आजकल आप लोग मीडिया वाले पुलिस वालों के बारे में अनाप शनाप लिखते हो, ये कैसे लिखते हो बिना सोचे? पहले आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ पूछिए, क्या है? रायपुर आइस गोडाउन में जो एनकाउंटर हुआ उसकी परमिशन आपको कहाँ से मिली? देखिए साहब, मैं इस सवाल का जवाब पहले भी बहुत बार दे चुका हूँ, अगर कोई नया सवाल हो तो पूछिए। निवेदा रेप केस के तीन आरोपियों का फैसला आने से पहले गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, ये ऑर्डर आपको किसने दिया था? ये सब अफवाह है मैडम, पुलिस डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर ने गोली मारी थी, इसका प्रूफ है। अच्छा आप लोग इतने सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करूं क्या? पिछले हफ्ते एक सर्कल ऑफिसर को बीच सड़क पर मार दिया था, उसका पूरा परिवार रोड पर आ गया था, इस मामले में आपने एक भी न्यूज दिखाई क्या? सर हम लोग यही सवाल करना चाहते हैं, इस देश में अगर एक पुलिस ऑफिसर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता को कैसे सुरक्षा मिलेगी? देखिए मैडम, सवाल करना बहुत ही आसान है लेकिन जवाब देना उतना ही मुश्किल है। सर कांजीपुरम महल में जो कत्ल हुआ उसकी वजह पता चली आप लोगों को? उसके बारे में हमने एक स्पेशल मीटिंग अरेंज करने का फैसला किया है,
ये साबित होने के बाद आप तक ये न्यूज बहुत जल्द पहुँच जाएगी। ओके सर, 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 एक क्वेश्चन सर। अभी जो आप देख रहे हो ये दरअसल कांजीपुरम के एक महल की फोटो है। कई पीढ़ियों से राजवंश लोग अपनी जिंदगी यहाँ बिताते आ रहे हैं, लेकिन अभी इसे सब लोग भूत महल कहते हैं। हाल फिलहाल में इस महल के अंदर कई सारी जाने जा चुकी हैं। अब वो जाने क्यों गईं, कैसे गईं, किसी को कुछ नहीं पता है। कुछ लोग कहते हैं कि भूत ने मार दिया। इन बातों पर विश्वास ना करते हुए एक आदमी अंदर चला गया था, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं आया। इस महल पर दो बार हॉरर फिल्में बन चुकी हैं। इसमें मजे की बात यह है कि वो दोनों फिल्में सुपरहिट हैं। भूत की फिल्में तो बहुत धड़ल्ले से चलती है ना। नेक्स्ट, ये तो एक मशहूर टीवी शो डायरेक्टर है। यहाँ भूत प्रेत है, हमें भूत का खौफ दिखाकर डरा रहे क्या? हाँ, जानता है कौन हूं? सत्या, रिपोर्टर सत्या। अगर हिम्मत है तो आ मेरे सामने आ, डरता नहीं हूं तेरे से। अभी आना, आजा। पिछले हफ्ते ये भी महल के अंदर गए थे, लेकिन इनकी रहस्यमय मौत हो गई। नेक्स्ट, यह नामचिन बिजनेसमैन शिवरामन का बेटा राजेश। दो दिन पहले इसकी लाश भी उसी महल के बाहर पड़ी हुई थी। देखिए ऐसा है, हम पुलिस वालों को ये भूत प्रेत पिशाच, इन पर विश्वास करो, कानून कभी नहीं सिखाता ये बातें। हमें अपना काम ठीक से करना है बस। इसलिए इस डिफिकल्ट केस को मैं एसीपी शांति जी को सौंपता हूं। यस सर। दादी, वो ईगल भूत है क्या? वो शांति को मारने आ रहा है क्या? ऐसी कोई बात है जो खुद शांति को भी पता नहीं है? वो पक्षी कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये बात किसी को भी नहीं पता। शांति जहाँ जहाँ जाती है पता है, वो पक्षी उसके पीछे पीछे जाता है। हाँ, मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ, 7 बजे तक पहुँच जाऊंगी। ठीक है, संभल कर आना। अच्छा सुन, मेरे साथ दो लोग और आ रहे हैं, क्या उनका भी डिनर अरेंज कर दोगी? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है। आ रही हूँ, इस घर में सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सुनिए, उधर डोर बेल बज रहा है और आप छोटे बच्चे की तरह यहाँ बैठकर गेम खेल रहे हैं। अगर मेरी बात उस वक्त मान लेती तो इस वक्त हमारा बच्चा गेम खेलता। जब भी देखो यही सोचते रहते हो। आ रही हूँ, कौन है? हाय, आइए आइए, कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम लोग भी अच्छे हैं। शांति है क्या आंटी? हाँ है, वो ऊपर है। शांति, तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं, नीचे आओ। हाय अंकल। हाय 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 हाय, सब लोग साथ में आए हो? सुनिए, आपको देखकर पता नहीं चल रहा वो प्रेग्नेंट है? मैं कॉफी लेकर आती हूँ, वो अभी आ जाएगी। ओके आंटी। और कैसे हैं आप लोग? अच्छी हूँ। हाय हाय शांति, क्या बात है, सब साथ में? कविता प्रेग्नेंट है, देखकर पता नहीं चल रहा। क्या पापा, सॉरी सॉरी सॉरी। तुम और बेबी हैप्पी है ना? हाँ। लेकिन हम लोग तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। कूल 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 कूल, हमारी बात तो ये सुनती नहीं है। तुम लोग तो थोड़ा इसको समझाओ, समय पर शादी करेगी तभी तो जिंदगी अच्छी रहेगी। पोता पोती देखने की हमारी ख्वाहिश नहीं है क्या? ये सब कहाँ सुनती है तुम्हारी फ्रेंड। ठीक है माँ, मुझे 7 बजे कहीं पहुँचना है, आप लोग बातें कीजिए, मैं निकलती हूँ। अरे अरे बेटी रुक जाओ। कोई बात नहीं, हम लोग भी निकल रहे हैं। ये इतना क्यों भौंक रहा है? क्या हो गया रॉकी, इस तरह से क्यों भौंक रहे हो? क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? ए, ए, ऐसे क्या हुआ, ऐसे क्यों चला रहा है?
कुछ नहीं है, आओ इधर आओ। शांति बेटी तुम छोड़ो उसे, सब ठीक है। चलो ठीक है पापा, देख लेते हैं तू निकल, बाय बाय बाय। हाँ, संभल के जाना है। संभल कर, हम लोग देख लेंगे बेटी। ठीक है चिल्लाओ मत, चलते हैं, बाय बाय। चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। तू क्यों तंग कर रही है, हम लोग चले जाएंगे। चुप हो जा, क्या हो गया तुझे आज? तू ज्यादा चिल्ला मत, मेरे हाथ से मार खाने वाला है तू। पंछी तो आ गया, लेकिन जो होना चाहिए था वो प्यार हुआ क्या? ए, मेरे लंबे चौड़े बंदर कहीं के, तू चुप नहीं बैठेगा अभी, इतनी जल्दी क्या है? वो बात नहीं दादी, एक ईमानदार ऑफिसर है तो दूसरा लंगूर आना चाहिए, वो लव लेटर देगा, उसके बाद प्यार हो जाएगा, यही तो तकदीर है। ये सब बस फिल्मों में होता है समझा, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। खाकी वर्दी को आगे और प्रेमी को पीछे रखा, लेकिन अकेले में प्रेमी के बारे में सोच सोच कर हंसती रहती है। तूने साइकोलॉजी पढ़ लिया और सीरियसली साइको हो गई है, तू महल के अंदर जाने के लिए यहाँ आ रही है? अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे तभी मना कर देती। हाँ मेम साहब, जब से मैंने भूल भुलैया फिल्म देखी है ना, ये महल के सारे केस मना कर देने चाहिए। वैसे भी ये लोग मुझे राजपाल बनाना चाहते हैं, इसलिए मुझे यहाँ लेकर आए। तो मैं उस राजपाल की बीवी हूँ क्या? नहीं श्रुति, खाना बहुत अच्छा बना है। मैं तेरे लिए खाना ही नहीं बनाती थी। अरे रे, ऐसा कुछ मत करना, इस एरिया में आसपास कोई दुकान भी नहीं है, तो यहाँ पर एक होटल क्यों नहीं खोल लेती? हाँ सही है, भूत प्रेत को तो मामूली मत समझना, तेरी यूनिफॉर्म से भले ही इंसान डरते होंगे, भूत प्रेत नहीं। तुम्हें उस महल के अंदर जाने के लिए मैं हरगिज हाँ नहीं कहूंगी। देख तू ज्यादा परेशान मत हो, ये मेरा केस है और ये मेरी ड्यूटी है। सुबह से मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करूंगी, जल्दी खाना खाकर सो जा। अरे कौन है? दादी दादी मैंने छींका दादी, और कुछ नहीं। तू चुपचाप नहीं बैठ सकता, छींक रहा है, जाओ मैं नहीं बताऊं। अरे दादी सॉरी दादी। क्या है ये, हाथ कांप रहा है आपका, डर लग रहा है? तो इतनी देर से आप डर के साथ कहानी सुना रही थी। वो मैं नहीं थी रे। ठीक है छोड़ो, कहानी सुनाओ ना। मुझे याद नहीं, मैं भूल गई। वही तो दादी, शांति नींद में। हाँ अभी याद आया, वो शांति है ना, नींद में चलते हुए उस महल का दरवाजा खोलती है, क्रीक, और फिर वो धीरे से अंदर जाती है।
शांति, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, शायद मैंने बुरा सपना देखा। और कोई बात नहीं है ना? तू सो जा। ओके। फॉरेंसिक टीम को तुरंत अंदर आने के लिए कहो। मुझे 24 घंटों के अंदर फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए। ओके मैडम। हेलो शांति, जरा अर्जेंट मेरे ऑफिस में आ सकती हो? खुश होने की क्या बात है? वो मैं जरूरी है सुसु जाना। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है, पहले कहानी बाकी सब कुछ बाद में। अगर चाहो तो आपके बदले में आपकी बेटी को जाने बोलो। अरे तेरा दिमाग खराब है, तू तो कुछ भी बोलता है। तुम लोगों के साथ बैठकर मैं तो पछता रही हूँ, पता नहीं क्यों तुम्हें कहानी सुना रही हूँ। अरे जोर से लगी है। सिट डाउन। क्या बात है सर, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं?
शांति, मैंने अपने करियर में अब तक ऐसी शॉकिंग फॉरेंसिक रिपोर्ट कभी नहीं देखी है और ना ही इसके आगे कभी देखूंगा। उस महल में मिले हुए कपड़ों को, मतलब कपड़े के मिल को बंद हुए 82 साल हो गए हैं, लेकिन वो कपड़ा अभी भी पूरी तरह से नया है। नंबर टू, वहाँ पर जो बाल मिले हैं उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि 120 साल पुराने जीने वाले लोगों के वो बाल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उस महल के अंदर मिला हुआ जो ब्लड ग्रुप है वो दुनिया में सिर्फ 300 लोगों का ही ब्लड ग्रुप है। लेकिन हमें जो बॉडी मिली है ना, उनमें से किसी का भी ब्लड ग्रुप इस ब्लड से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है सर? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। मुंबई का जो KEM हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर YM मेहंदी ने खोज की है कि ऐसा ब्लड ग्रुप अभी भी दुनिया में अवेलेबल है, लेकिन ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप इस महल में कैसे आया इसका पता तुम्हें लगाना होगा। सर, ऑल द बेस्ट। किसी को जो मौका नहीं मिला वो मौका उसे मिला, ये सुनकर वो शांति है ना बहुत खुश हो गई। पर उसकी माँ ने उसकी शादी की सारी तैयारी शुरू कर दी उसी वक्त। अरे रे, तो उनकी शादी हो गई क्या? कहाँ से हुई, दावत में बिछाए पत्ते तो गाय खा गई, कोई बहाना बनाकर उसने शादी तो रोक दी, लेकिन सगाई जरूर हुई दोनों की। सब कुछ अच्छी तरह हो गया। अरे ये कहाँ? क्या हुआ, ये इतनी जल्दी जा रही है? क्या हुआ, यूनिफॉर्म में क्यों? शांति, सगाई वगैरह हो गई है, उस केस के लिए जाना है। अरे क्या लेकिन... हुआ, अभी सगाई हुई है, अभी निकल रही है। माँ, तुम्हारे लिए ये सगाई जरूरी है और मेरे लिए ड्यूटी जरूरी है। क्या जी, ये निकल रही है और आप खड़े होकर देख रहे हो? बेटी, तुझे जो सही लगता है वो कर। नहीं नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट केस नहीं है, तुम 2 दिन की छुट्टी ले सकती हो। देखो वो भी कह रहे हैं। सर, ये केस ऑलमोस्ट खत्म होने के लेवल पर है, बस थोड़े दिन और लगेंगे और ये केस मैं क्लोज कर दूंगी। इसी माइंडसेट के साथ जाऊंगी तो अच्छा रहेगा। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो 25 साल पहले जो मैं था वो मैं तुम्हारे अंदर देखता हूँ। आप भी इतने पतले थे। चुप रहे, मैं कह रहा हूँ कि वही जोश, वही जुनून और उसी दिलचस्पी की बात कर रहा हूँ मैं। आपके घर में ऐसी बेटी पैदा हुई है, बहुत ही भाग्यशाली है। अरे जाओ, दूल्हे राजा, यू आर ऑल्सो वेरी लकी। सर, मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ, बोलो ना। उसके साथ मैं भी जा सकता हूँ? दूसरे काम से जा रही है, रिक्वेस्ट करना ठीक नहीं है। ए, चुप। मैं कमिश्नर हूँ, अगर मैं इसकी परमिशन देता हूँ तो मुझे किसी और नजर से देखेंगे। आप बोलेंगे तो सब मान जाएंगे। वो बोले दामाद जी, शादी से पहले दोनों को साथ कहीं बाहर जाना अपशगुन होता है। अरे आप बिना लिव इन रिलेशन के जमाने में ये सब बात बोल रही हैं। शांति, तुम अपने दूल्हे को अपने साथ लेकर जाओ। ए, तुम लोग भी जाओ। हम लोग जाकर क्या? ए, तुम दूल्हे को कंपनी देना और ये दुल्हन को कंपनी देंगे। जाओ चलो। हाँ तो खाना खाकर जाते। अरे जाओ, खाना खाके शक्तिशाली बन जाओगे क्या? चलो निकलो यहाँ से। ये हमेशा खाने के बारे में बातें करते रहते, इन्हें थोड़ी सी कटोरी में दे दो, खाते रहेंगे। देखो। ओ, ये देखो, मैं भी, हाँ मैं भी लेकर आई हूँ। ये लो, ये मेरा। ये होता है प्यार। ये लोग ड्यूटी में थोड़ा कम है लेकिन लव में फर्स्ट क्लास है। आप ऐसा कुछ नहीं है। आपको इनमें इतना क्या पसंद है? हाँ, क्या पसंद है? 1.5 किलो चमड़ी, 10 हड्डी के जरिए इतने लंबे इंसान को बना सकते हैं क्या? बताओ, भगवान ने बनाया है इन्हें, यही इनके अंदर मुझे पसंद है। वाह पांडे, आपको इनमें क्या पसंद है? ये भी आप पूछ रहे हैं? इतनी सुंदर आंखें हैं इसकी और गुलाब जैसे गोल गोल गाल है, हिरनी जैसी चाल है इसकी। कुल मिला के ये भले ही छोटी हो लेकिन किसी कैसे कम नहीं है। तो शादी कर लीजिए इनसे। नो, नो।
शादी 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 शादी। मुझे हिंदी में जो एक शब्द से नफरत है और वो है शादी। और हम अपने प्यार के बीच में ऐसे शादी शब्द को आने नहीं देंगे। कहा प्यार किया है तो अब शादी तो करनी पड़ेगी। हाँ जी, हमारे बीच भी ऐसा ही कुछ हुआ था लेकिन हमने शादी को हटा दिया। अभी हम सिर्फ प्रेमी है। हमारे प्यार को अलग करने वाले उस शादी को हमने रद्द कर दिया। और अभी हम प्रेमी बनकर खुशी से जी रहे हैं। तो इसके लिए तलाक लेने की क्या जरूरत है? शादी के बाद भी तो प्यार किया जा सकता है। यही 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 हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पति नाम की पोस्ट प्रेमी को प्यार करने नहीं देता है। सिर्फ उसे उसका गुलाम बनाकर रख देता है। मेरा भी यही मानना है। खुद को जब पत्नी की जगह रखकर इसे देखती हूँ तो लगता है इसे उठाकर इतना इतना मारूं, ऐसा मेरे मन में आता है। अरे अच्छा अच्छा हुआ कि हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई। तलाक देकर अभी हम दोनों बहुत खुशी से रहते हैं। क्या कहानी है? कहानी नहीं है, अगर आप हमारे प्यार की सच्ची कहानी सुनेंगे ना तो आपके जिस्म के हरम से सिर्फ पसीना ही पसीना बहने लगेगा। इतनी लंबी कहानी सुना के पेट में भूख लग रही है। बाबा कुछ खाने को दे। क्या बात है, तुझे मेरा ख्याल है रे। आज क्या स्पेशल है? एकदम कड़क तीन लड़कियों का इंतजाम किया है। बहुत मजा आएगा। चीयर्स। विष्णु, आप लोग अपने लिए कुछ और कर लो, मैं हाथ धोकर आती हूँ। देखा वो लोग कितने साफ सुथरे लोग हैं और एक तुम हो, बिना हाथ धोए बैठ गई। भूख लग रही है यार। अच्छा ये बताओ तुमने हाथ धोए क्या? मैं खाना खाने के बाद हाथ धो लेता हूँ, टू इन वन। क्या बकवास कर रहा है, दूसरों को समझाता है खुद को नहीं। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? अच्छा टाइम क्या हो रहा है? टाइम वो खाना खाने का टाइम हो गया है। वेटर 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 वेटर, क्या है? तुम ऑर्डर करोगी या मैं? मैं ऑर्डर करती हूँ, तू चुप रह। ठीक है। ए इधर आ तू। शांति को ढूंढ के आता हूँ, हैंड वॉश करने गई थी, कहाँ चली गई? देखना भीम साहब जीतेंगे। नहीं, साहब जीतेंगे। अरे ये कहां से आ गया? ये कौन है? Oh!
जा। चर्बी चढ़ी है तुम लोग को। चल जल्दी चल, जल्दी चल। अरे क्या हुआ, तुम उल्टी क्यों कर रही है? ये अच्छी खबर है, लगता है पागल फंस गया है। अरे ये किसने किया, बिल तो मेरे पे ही फटेगा। सुनो इसकी वजह कौन है? इस सवाल का जवाब मुझे कैसे पता, इससे पूछो। क्या वो क्या बोलेगा? वो सब कुछ बोलेगा, सुनो तो। ऐसा क्या रे? ए, अंदर लड़का है या लड़की, ये जाने बिना ऐसे बोलते हैं क्या? ठीक है जो कुछ भी हो मैं पूछता हूँ। तुझे जन्म देने वाला तेरा बाप कौन है? पता नहीं, वहाँ जाना था पर यहाँ आ गया। ये क्या, ये बोलता भी है? इसे कहीं और जाना था, यहाँ पे आ गया। खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा मारा ना, मर गए। वो नहीं है, भूतों के पिक्चर में जो एक्टिंग करते हैं ना, वो हूँ मैं। वो भूतों की पिक्चर में काम करता अक्की कुमार है क्या? अरे मैं आज तुम्हें एक अच्छी खबर देने वाला था, लेकिन तुमने उससे पहले मुझे झटका दे दिया। अरे वो नहीं है, सारी फिल्मों में भूतों को ओपन करके छेड़ता है। सारी फिल्मों में भूतों को छेड़ता है? अरे बेवकूफ, वो तू है। मैं हूँ। सुबह मैंने कुछ खा लिया था तो मैं वोमिट कर रही थी, और तू मुझे देखकर क्या बोला कि तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? हाँ, मुझ पर शक कर रहा है तू? पूछ रहा था इसका बाप कौन है? अभी तू मुझ पर इस तरह से शक कर रहा है? हाँ, शादी के बाद मुझ पर कैसा कैसा शक करेगा? तेरी तो तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बेवकूफ कहीं के, मुझ पर शक करेगा तेरी तो। आज के बाद अंदर आया तो देख लेना, यही रहे बाहर सड़। मैम साहब, अंदर मत आ जाना, पागल कहीं का। मुझे बाहर खड़े रखकर यहाँ भूतों का सामना करने के लिए बोला है इसने। अगर भूतों ने पकड़ लिया तो मैं इनसे कैसे बचूंगा, कैसे बचूंगा बता? चप्पल, चप्पल। सगाई होते ही जोड़े के साथ आई हो, अच्छा है। चुप रहे। ठीक है, मैं चुप रहूंगी। जीजा जी, आप बताइए, इसके खाने में कुछ मीठा डाल दें? इन्हें क्यों बीच में घसीट रही हो? ओ, सपोर्ट कर रही है। जीजा जी, आप लकी हो। लकी? पूरा एक साल लग गया, ये सगाई कर ले उसे राजी कराने के लिए। ऐसा वैसा मत बोल देना, पता चला हमारी शादी और लेट हो गई। आप लोग बातें करो, मैं जाता हूँ। ए, क्या हुआ, नाराज होकर गए? Thank you.
मैं इस महल के अंदर कैसे आ गया? ये आखिर हो क्या रहा है? शांति की फोटो यहां पे कैसे आई? शांति नहीं शांतला हूं। वही भूत है। चुप चुप चुप, कुछ भी बोलता है। डोरा बुज्जी और अटोरी की तरह सवाल पर सवाल किए जा रहे हो, एक एक करके पूछो। विष्णु के कत्ल के बारे में सपनों में देखने वाली शांति की जब नींद खुली तो उसने देखा विष्णु। ए क्या हुआ? अरे क्या हुआ, वो कहाँ चला गया? अरे पता शांति नहीं। रुक जाओ विष्णु। अरे अरे शांति रुक जाओ। अरे शांति, अरे विष्णु 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 शांतला। राजाओं के राजा, राजा जी की जय हो, विक्रमादित्य की जय हो, राजा जी की जय हो, विक्रमादित्य की जय हो, वीर राजा विक्रमादित्य पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज, अवंतिक देश से संदेशा आया है। कांजी नदेश विक्रमादित्य को हम आमंत्रित करते हैं। अवंतिक देश के वीर मल्लन, जिसने सिर्फ जीत देखी है और हार दुश्मन को उपहार में दी है, वो यमदम का वारिस है। काल खैर को धूल चटाने वाला ये काल दूत है। इसने भूमि पुत्र पुलगेदी के साथ युद्ध करके उसे जीता है। क्या आपके कांजीपुरम में कोई ऐसा वीर है? यदि कोई वीर हो तो उसे आप लेके आ सकते हैं। बहुत हुआ, इस निमंत्रण संदेश को फाड़ कर फेंक दो। कर्ज लेकर अपना जीवन यापन करने वाला वो गजमुख इस कांजी को चुनौती दे रहा है। महाराज, मैंने सुना है अवंती देश के उस पहलवान को आज तक कोई भी मात नहीं दे पाया है। उसे हरा पाना बहुत कठिन है। अगर ऐसी बात है तो मैं मल्लन के बारे में फैसला कर चुका हूँ। मेरे बाद राजा का पद पाने वाला वल्लभ कुल के वारिस, मेरी इकलौती संतान विष्णु वर्धन को मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए भेजता हूं। विष्णु वर्धन।
प्रतियोगिता का नियम तुम्हें अच्छे से पता तो है? जानता हूँ गज्जामुखा, हारने वाले को मार दिया जाता है और जीतने वाले के सिर पे ताज चढ़ेगा, बस यही ना? हाँ बिल्कुल यही। तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, इस प्रतियोगिता से हटकर मेरे सामने घुटने टेक दोगे तो मैं तुम्हारी जान तुम्हें भीख में दे दूंगा। अपनी हार स्वीकार कर लो और मेरे आगे घुटने टेक दो, ज्यादा नुकसान किए बिना माफ कर दूंगा। बहुत घमंडी है ये, तुम्हारी मौत निश्चित है। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। माफ कर दीजिए। आखिर ये है क्या, इंसान है या मिट्टी का बना हुआ? ये तो जमीन में घुस गया। मेरी किस्मत मुझे बुला रही है। बनने का मौका जल्दी मिलेगा। वाह बहुत मजबूत है, अब मुझसे भी मजबूत है। मुझ भाड़े दे गई है। प्रणाम। Ha ha ha!
मुबारक हो युवराज। अति उत्तम अति उत्तम। ये मेरे भाई का बेटा है। युवराज एक छोटी सी विनती है, हमें सेवा का मौका दीजिए और हमारे महल में 2-4 दिन हमारे मेहमान बनकर रहिए। हम आपकी तहे दिल से सेवा करना चाहते हैं। माफ कीजिए महाराज, कांजी में बहुत से अधूरे काम बाकी हैं। हम किसी और दिन आ जाएंगे। वो क्या है कि राजा विक्रमादित्य हमारी प्रतीक्षा काफी देर से कर रहे होंगे, इसलिए महाराज हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जीते रहिए। आज्ञा दीजिए। सलाम कर जाइएगा। चले चलिए। राजाओं के राजा, राजा मार्तंड, राज गंभीर, राज कुल का तिलक, वीर पराक्रमी, वीरों के वीर, वल्लभ कुल के शूरवीर राजा विक्रमादित्य पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। क्या संदेश है? आस पड़ोस गांव के किसान आपसे मिलने आए हैं महाराज, उन सभी को आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है महाराज। देश को भोजन कराने वाले हमारे किसान हैं, अधिक प्रतीक्षा मत करवाओ, उन्हें शीघ्र आने के लिए कहो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, दानवीर महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज हम किसान नदी के पानी से खेती करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से नदी में पानी नहीं आ रहा है महाराज। क्यों, वजह क्या है? इस साल बारिश नहीं हुई, इसीलिए राजकोष में जो हमें लगान भरना था वो हम नहीं भर पाए। समझ गया, लगान रहने दो। मंत्री जी, इन लोगों से लगान मत लीजिए, सारे लगान माफ कर दिए जाएं। जैसी आज्ञा महाराज, मगर इतना काफी नहीं होगा महाराज। तो और क्या करना चाहिए? नदी में पानी लाने के लिए नए रास्ते बनाने होंगे। हमें बांध बनाने होंगे महाराज। महाराज बारिश होने के लिए हमें गाँव में पूजा करनी होगी। पड़ोस के गांव से हमें फौरन पानी मिले, इसके लिए हमें रास्ते बनाने होंगे महाराज। अब ये किसान बिना किसी रुकावट के खेती करेंगे, आने वाले 45 दिनों में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। आप चिंता मुक्त हो जाइए, विश्वास के साथ जाइए। महाराज की जय हो, राजकुल की जय हो। महाराज आपके चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई दे रही है, कौन सा शुभ संदेश आया है? मंत्री जी, प्रतियोगिता में युवराज जीत गए हैं। अवंती देशवासियों को सही सबक सिखा दिया। जीत की खुशी गूंजनी चाहिए, पूरे नगर में जश्न मनाइए, हर एक घरों में जरूरत की चीजों को दान दिया जाए, पूरे नगर में कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, नृत्य का इंतजाम करो। युवराज की जीत प्रजा की जीत है, ऐसा जश्न बनाओ। जब तक मैं जीवित हूं तू भी जीवित रहेगा। यज्ञ पूरा हो गया क्या? 300 साल जीवित रहने के लिए आपने जो यज्ञ किया था महाराज, वो पूरा हो गया है। पूर्ति तो इसकी हो गई है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन आपको जो वर मिला है केवल 200 साल के लिए है महाराज। क्यों, पूजा में किसी तरह की चूक हुई?
या फिर किसी की गर्दन काट कर बलि चढ़ा दूं। वो सब करने की जरूरत नहीं, मगर अब जो कहता हूँ बस उतना करो। क्या करना है बस आज्ञा कीजिए, तुरंत करता हूँ। चंद्र पूर्णिमा के दिन जिसका जन्म हुआ हो और उसके जन्म का रहस्य किसी को भी पता ना हो, ऐसी कन्या जब जवान होगी तब तुम्हें उससे विवाह करना होगा या उससे एक बार शारीरिक संबंध बनाना होगा। मैं आज ही मंत्री से कहकर पूरे नगर में ढिंढोरा पीटने के लिए कहता हूँ। ढूंढने से वो लड़की तुझे नहीं मिलेगी विक्रमादित्य, उसने खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगी। तू बहुत भाग्यशाली है विक्रमादित्य, तू 300 साल खूबसूरती और जवानी के साथ जीने वाला है, इसके लिए उपाय मिला है। आप ये क्या कह रहे हैं? आने वाले चंद्र ग्रहण के समय उसी लड़की से तेरी मुलाकात होने वाली है। जब तू उससे मिलेगा तब दिन होगा, तुझे नक्षत्र दिखाई देंगे। अगर वो रात होगी तो सूरज दिखाई देगा। उसकी खुशबू से तुम महक जाओगे। जब वो चलते हुए आएगी तो तुम्हें सब कुछ महसूस होगा, तुम्हें मुक्ति मिलने का एहसास होगा। अगर तुमने उसके साथ विवाह कर लिया तो खूबसूरती और जवानी के साथ तुम 300 साल तक जियोगे, तुम्हें कोई मौत नहीं आएगी। तुझसे जीतना या तुझे मार डालना किसी के बस में नहीं होगा विक्रमादित्य, तू जीता रहेगा हमेशा बहादुरों की तरह। जीते रहो जीते रहो। प्रणाम महाराज। आओ आओ सेनापति आओ। क्या बताऊं, आज मैं बहुत खुश हूं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं महाराज? नगर में पानी की समस्या को हल करने के विषय में भगवान ने मुझे एक अच्छा उपाय बताया है। मैं कुछ समझा नहीं। उस प्रतियोगिता में मेरे युवराज की जीत हुई है, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। और साथ ही एक और खुशी है, मैं 200 साल तक जीऊंगा, ऐसा मुझे वर मिला है। मैं चक्रवर्ती बनने वाला हूं। और महाराज पानी की समस्या? सेनापति, अवंती देश की राजकुमारी से अपने बेटे का विवाह करने का फैसला कर लिया है मैंने, और मैंने ये संदेश सब जगह पहुंचा दिया है। अगर ऐसा हुआ तो अवंती देश की राजकुमारी हमारी बहु रानी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा होगा। सेनापति सेनापति, दोनों देश एक हो जाएंगे। और फिर आनंद, बीच में जो पहाड़ है उसमें से नदी दौड़ कर आएगी, लोगों को जगह मिलेगी, तीनों नगर को पानी मिलेगा, जनता बहुत सुखी से रहेगी। अगर ऐसा है तो आपका चक्रवर्ती होना तय है महाराज। राजा ने अपनी योजना के बारे में सेनापति को बताया, लेकिन पता है क्या, विष्णु को तकदीर किसी और ही तरफ ले गई। चाचा जी, क्या बात है बेटे? ये कौन सी जगह है? ये अवतार वन है बेटा। यही अवतारगढ़ है? हाँ। वाह, बड़ी खूबसूरत जगह है। हाँ। विष्णुवर्धन, ये आदम और हव्वा का बगीचा है। इस जगह पर प्यार का अच्छा? जन्म हुआ है शिव जी के मस्तक के ऊपर से। शिव जी के मस्तक के ऊपर से ही 9 नदियों का जन्म हुआ है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। एक बार जो इस जगह को देख लेता है उसे वापस लौटने का मन ही नहीं करता। फिर तो थोड़ी देर चाचा जी यहाँ आराम करना बनता है। ये भी सही है, घोड़े भी काफी थक गए हैं,
तुम्हारा यहीं पे आराम करने का सुझाव अच्छा है। अगर मेरे हाथ छोड़ने पर ये चली गई तो? अगर मैं उठ गई तो क्या ये चला जाएगा? संभल कर, पैर फिसल गया तो गिर जाओगी। अब मेरा पैर नहीं फिसलेगा, मेरा दिल फिसलेगा। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? किसी अजनबी को तुम पुकार सकते हैं? अरे अपनों को तो हक से बुलाया जाता है। और कौन है यहाँ अपना? अगर आपको एतराज ना हो तो आप मुझे भी तुम कहकर बुलाइए। और अगर मैं हाँ ना कहूँ तो? हाँ ना कहूँ मतलब? आपका ये हाँ तो मुझे बहुत पहले ही मिल गया था। हा? क्या कहा? मैंने कब आपको हाँ कहा? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी आंखों ने मुझसे हाँ कह दिया था। हाँ आप बहुत बदमाश हैं। सच कहूँ तो अभी मैंने अपनी बदमाशी शुरू ही का की है। समय हो रहा है, मुझे जाना होगा। पर मैं तुम्हें पुकारूं कैसे? क्यों पुकारना है? वापस जब हम मिलेंगे तो? जब मिलेंगे तब देख लेंगे। कितनी गर्मी है। ओ हो ये कहाँ चला गया? कहाँ गए थे? मैं अभी आता हूँ। चाचा जी आप कहाँ चले गए थे? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको? मुझे ढूंढ रहे थे, तुम्हें ढूंढते हुए मैं भटक गया। आप तो रहने दो, चलिए चलिए चलो। आपने ध्यान दिया चाचा जी? ध्यान दिया? मेरी नजर से कुछ भी चूक नहीं सकता है। असीम सुंदरता, कितनी सुंदर थी। मेरा बस चले तो पूरा दिन देखता। किसे देखकर तो इतना चौंक गया भतीजे? अब क्या बताऊं चाचा जी। एक एक करके बताओ, मैं भी सुन लेता हूँ। आंखें नजरों से ही चूम लेती है। आंखें? ओहो हाँ, मैंने भी देखा है। वो अपनी आंखों की ओर सबको आकर्षित कर रही है। उसकी वो मुस्कुराहट, उसके वो मोती जैसे दांत बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। भतीजे तू कब से सुंदरता का पुजारी बन गया? मन की पसंद को कैसे अनदेखा कर? इच्छाएं तो अपने आप जागृत हो जाती। अच्छा सुन, तेरे दिल में और क्या बातें हैं बता। तारीफ करने पर मजबूर कर देने वाले उसके वो कान, कमर से लेकर पैर तक उसकी खूबसूरती, लंबी चौड़ी और खूबसूरत जांगे। मन ना भरने तक उसे गले लगा लूं। गले लगा ले, मन भर ले। हाँ पर कैसे? तेरी आंखों के सामने है, उसे कहाँ ढूंढ रहा है? वो रही। इतनी देर से आप समझ रहे थे कि मैं इस घोड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने क्या सोचा भतीजे? सोच तो मैं बहुत कुछ रहा था। ठीक है, समय हो रहा है, चलो चलते हैं। चाचा जी सुनिए, क्या हम लोग एक दो दिन और नहीं ठहर सकते यहाँ पर? तो महाराज को कौन जवाब देगा? कुछ सोच लेंगे। आपका दिमाग भी तो इतना तेज चलता है। चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। आसपास कहीं मेहमान नवाजी के लिए कोई महल है क्या, देखते हैं। चलो पूछते हैं, आ जाओ। अच्छा तो रहने के लिए उनको महल मिला क्या? अरे एक बात बताऊं, वो जहाँ ठहरा था ना, उसके पिता बहुत बड़े जमींदार थे। वो जहाँ खाना ढूंढते हुए गए, उन्हें तो पूरी दावत ही मिल गई। ये है मेरी पुत्री बेटी। ये यहाँ दावत खाने आए हैं, इन्हें जो चाहिए वो दे देना। आप जो खाना चाहें इसे बताइए, ये आपको खिला देगी। मैं अभी आता हूँ। बस
मेरे लिए खुद करना पड़ेगा। डाल दिया, बस 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 बस। भिंडी की सब्जी है, जरूर खाइएगा। हाँ, ये दिमाग के लिए अच्छी है। विष्णुवर्धन, तू खाने पे कम और उस पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, उसे चाहने लग गया है क्या? समझ गया समझ गया। वैसे तुम्हारे भी हाव भाव कुछ अलग हो गए हैं, तुम तो हर वक्त उस लड़की के सपनों में ही खोए रहते हो। अब विष्णुवर्धन, विष्णु गया। मैं लेने आ जाऊंगा। रुको रुको, चारों तरफ पहरेदार है, आपको दिखाई नहीं दे रहे क्या? अब हाल यह है कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई और दिखना ही बंद हो गया है। आपको क्या किसी से डर नहीं लगता? जब प्यार होता है तो वीरता अपने आप आ जाती। बताओ तुम्हें कैसे पुकारना चाहिए मुझे? मेरा नाम शांतला है, आपको जैसे पसंद आए वैसे ही पुकारो। शांतला, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। क्यों? एक ही रात में दो चांद दिख गए, एक आसमान में और एक चांद मेरे कंधे पर। तुमने तो अब तक नहीं पूछा कि मैं आखिर हूं कौन। मुझे पूछने की क्या जरूरत? मैं धोखेबाज निकला तो? अगर मुझे धोखा दिया, इसका मतलब यह है कि आपने अपने आप को धोखा दिया है। हाँ।
ये तो राजमहल की निशानी लगती है। क्योंकि मैं राजमहल का युवराज हूँ। हाँ? विष्णु वर्धन। कल की प्रतियोगिता में जीतने वाले आप हैं क्या? क्यों, विश्वास नहीं हो रहा? मेरे समीप युवराज है। ज्यादा सोचो मत, बस मेरा इंतजार करो। मैं पिताजी से तुम्हारे लिए रिश्ता लाऊंगा और इज्जत के साथ तुम्हें साथ ले जाऊंगा। बस जैसे ही सुबह होगी मैं यहां से निकल जाऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबकी रक्षा करना शंभु, रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु। दीर्घ आयुष्मान भव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राजाओं के राजा, राजा की जय हो, जय हो विष्णुवर्धन की जय हो, युवराज की जय हो, विष्णुवर्धन की जय हो, युवराज की जय हो, विष्णुवर्धन की जय हो, महाराज की जय हो, विष्णुवर्धन की जय हो, महाराज की जय हो। युवराज, आपके पिता श्री महाराज ने अवंती देश की राजकुमारी से आपके विवाह का वचन दिया है। पिताश्री, माफ कीजिए, लेकिन मैं पहले ही एक लड़की को चाहता हूँ और उसी में मेरी जान बसी है। आपसे सच कहूं तो मैं उसके बिना ये जिंदगी जीने के बारे में भी नहीं सोच सकता। विष्णु वर्धना, युवराज, आपको तो पता है आपके पिताश्री जब किसी को वचन देते हैं तो उसे तोड़ते नहीं, ये उनका उसूल है। आप कल दरबार में उस लड़की को लेकर आइए, मैं महाराज से बात करके अनुमति लेता हूं। क्रोध मत कीजिए महाराज, हमें इस मामले को अत्यंत गंभीरता से सुलझाने की आवश्यकता है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन विष्णु वर्धन का विवाह अवंती देश की राजकुमारी से होना ही चाहिए सेनापति। महाराज, हमारे युवराज एक लड़की को लेकर महल के अंदर आ रहे हैं। आने दो। जैसी आज्ञा महाराज। आने वाले चंद्रग्रहण के समय उसी लड़की से तुम्हारी मुलाकात होगी। उसकी खुशबू से तुम बहक जाओगे। उससे मिलने के समय यदि दिन भी होगा तब भी तुम तारों की चमक महसूस करोगे। जब वो चलते हुए तुम्हारे सामने आएगी तब तुम्हें सप्त स्वर सुनाई देंगे।
मानो तुम्हें जैसे अमृत पिला दिया हो और तुम्हें अमर होने का एहसास होगा। पिताश्री, शांतला से मिलिए। शांतला, जैसा नाम वैसा ही रूप है। तेरा जन्म इस देश पर राज करने के लिए हुआ है। इस देश की महारानी बनने वाली है तो तुम्हारी शादी की इच्छा पूरी होगी, लेकिन एक रात तुम्हें मेरे साथ बितानी होगी। ये क्या कह रहे हैं आप? उस शिव की भी यही इच्छा है। ए, क्या बक रहे हो? इस देश पर जो राज कर रहा है उसका ही पहला हक बनता है। मैं चेतावनी दे रहा, मेरे सामने जो भी आएगा उसका हश्र अच्छा नहीं होगा। विष्णु वर्धना, विष्णु, विष्णु के बिना मैं नहीं जी सकती हूँ। भगवान मुझे स्वीकार कर लो। धीरज रख विक्रमादित्य, धीरज रख। अघोरी, 300 साल जीने की मेरी उम्मीद को आज ग्रहण लग गया। सब समाप्त। कुछ समाप्त नहीं हुआ, बस थोड़ा टल गया है। उसका जन्म फिर से होगा, वो तेरे लिए जवान होगी। 75 साल के बाद आने वाले चंद्र ग्रहण के समय उसी लड़की से तेरी मुलाकात होगी। उस चंद्र ग्रहण के समय अगर तूने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया तो 300 साल नहीं 500 साल खूबसूरती और जवानी के साथ जिएगा तू। ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। मेरे बताए रास्ते पर चलेगा तो सब कुछ संभव होगा। मैं तुझे कुछ उपाय बताता हूँ, चल मेरे साथ। अब जल्दी चल। शांतला मर गई क्या? ए, जब विष्णु ही मर गया तो वो जिंदा क्यों रहती? तो ये वही भूत है क्या? अरे नहीं, वो तो ईगल है। वो दोनों ही नहीं रे, वो शांता ही इस जन्म में बन गई। शांति शांति शांति। शांति।
विष्णु, वहां क्या हुआ था? शांति, लेकिन वहां जो हुआ वो कुछ और ही था। कौन है आप? मैं तेरा बाप हूं विक्रमादित्य। मैंने अपने ही हाथों से तुम्हें मारा था। अब तू फिर से मरने वाला है। पिछले जन्म में तुम कौन थे तुम्हें पता चल गया, उसी जन्म में मैं कौन थी क्या तुम्हें पता है? शांति, आप लोग जाके मिलिए। बिना डिस्टर्ब किए जाकर मिलिए। हाँ। क्या हुआ बेटी, बहुत टेंशन में लग रही हो, एनीथिंग सीरियस? नहीं सर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो बेटी, तुम पूरी पुलिस फोर्स इस्तेमाल कर सकती हो। आई विल गिव द परमिशन। नहीं सर, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मुझे खुद ही हैंडल करना होगा। ओके, डोंट वरी, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम जस्ट टेल मी, मैं देख लूंगा। ओके, थैंक यू सर। ए चल मेरे साथ चल। सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। नमस्ते स्वामी जी, ये मेरी फ्रेंड शांतला। ये नाम आपको कैसे पता? मुझे सब कुछ मालूम है, मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगी। इसे कहते हैं तकदीर। इसमें मुझे विश्वास नहीं। तुम्हें विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जो हुआ है उसे इनकार नहीं कर सकते, और जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। सच्चाई ये है कि जो होना है वो हो के रहेगा। ये सब क्यों हो रहा है स्वामी जी? पिछले जन्म का रिश्ता फिर से स्थापित हो रहा है। प्यार, काम, क्रोध, बलिदान, सब कुछ पहले की तरह। तो विष्णु को? उसे कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं जो कहूं तुम वही करो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जितनी बार जन्म लोगी, हर जन्म में वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा, और मृत्यु उसे रोक नहीं सकती है। तुम शांति बनकर जाओगी तो वो तुम्हें मिटा देगा, अगर शांतला बनकर जाओगी तो तुम्हारे प्रेम में अपने आप को मिटा देगा। इसलिए सावधान, मेरी इन बातों पर अमल करो। छिपकर बहुत खेल चुके, अब बाहर आ।
मैं शांतला हूँ। शांतला, तू आ गई क्या शांतला? वाह वाह, तेरे आने के इंतजार में मैं इतने सालों से प्रतीक्षा कर रहा था। तो आ जा विक्रमादित्य। ये खूबसूरती, ये जवानी, ये सब कुछ मेरी है, मेरी। तुझे शांतला चाहिए ना, तो मासूम लोगों को क्यों मार रहा है? मासूम लोग? कौन मासूम लोग? जो शांतला मेरी है उसे टुकड़े टुकड़े में देखने वाले मासूम है क्या? बोल, जिस किसी ने तुम्हें आनंद लेकर देखा है उसे मैंने आनंद के साथ मारा है। उस टीवी रिपोर्टर को क्या तूने मारा है? हाँ, मैंने ही उसे मारा। मेरी शांतला को बेइज्जत करने की बात, क्योंकि उसने गलती की थी इसीलिए मैंने उसे मार दिया। एक और बात सुन लो, जिस पंडित ने तुम्हारी सगाई करवाई थी उसे भी मैंने ही मारा है। क्यों? उसने तो अच्छा किया था ना? अच्छा? वो तेरे लिए था, मेरे लिए नहीं। हाँ, यहां तक कि तेरे लिए मैंने अपने बेटे को भी मार डाला। मेरे बेटे के रूप में जन्म लेकर जो तुमसे शादी करने के लिए तड़प रहा है, मैंने उसे भी मार डाला। और कितने लोगों को मारने वाला है? इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ वो रक्त चंद्र ग्रहण की शुरुआत कुछ पल में होने वाली है। तुम्हारे लिए 5 मिनट और मेरे लिए 500 साल, हमारा मिलन होना है। आ जाओ शांतला। ये नहीं हो सकता। मैं करके दिखाता हूँ। विक्रमादित्य। तो 500 साल जिंदा रहने की इच्छा रखता है ना? तो आना विक्रमादित्य, आ जा। ॐ नमः शिवाय ॐ क्रीं कालिकाय नमः। ॐ क्रीं कालिकाय नमः। ॐ क्रीं कालिकाय नमः। शांतला, Yeah!
शक्ति को जानने वाले उस विक्रमादित्य को कुत्ते से डर लगता है, सब कुछ भूल जाता है क्योंकि कुत्ता काल भैरव है ना। शांति, इसे छोड़ना मत। विक्रमादित्य मर गया, विष्णु और शांति की शादी हो गई, फिर वो ईगल कहाँ चला गया? मैंने उसे पकड़कर अपनी जेब में रखा है। तेरी तो लिखने वाले को खुद पता नहीं है और तू मुझसे सवाल कर रहा है, लेकिन एक बात तय है, विक्रमादित्य की आत्मा आज भी उस महल के अंदर भटक रही है, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो ये बात है, अब सब समझ में आ गया है। तुम लोगों को समझ में आया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। चलो चलकर खाना खाते हैं। चलो हाँ, चलते दादी जी। चलो चलो। अरे सब लोग सो गए, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा जाकर सो जा। विक्रमादित्य, मैं शांतला आई हूँ।